वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बंदों के लिए जिन बंदे को यहाँ पे डॉन कैरेक्टर को निकालना है, डॉन हीरो को निकालना है। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो इतना लेट से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डॉन कैरेक्टर पहले नहीं था, मैंने पहले अपनी आईडी में निकाला। फिर आप में से कई सारे बंदे पूछ रहे थे कि भाई आपने कैसे निकाला, तो मैंने कैसे निकाला वही मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो अगर आप देखते हो, बहुत छोटी वीडियो है, तो आपका डॉन कैरेक्टर 100% कन्फर्म निकलेगा। और जिन बंदे को यहाँ पे क्रेट्स की भी प्रॉब्लम है, उनको डायमंड क्रेट नहीं मिलता है, उनको प्लेटिनम क्रेट नहीं मिलता है, तो सब कुछ मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। बस करना आपको ये है कि मैं जो जो स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पे सेट करना है। बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये वाला ग्राफ मेंटेन करो सब्सक्राइब करके एंड शेयर करके। तो स्टेप्स बताने से पहले कि डॉन कैरेक्टर आपको कैसे मिलेगा, मैं आपको अपना आईडी का लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने डॉन कैरेक्टर को कैसे निकाला है। देख सकते हो यहाँ पे मेरा स्कोर है 98,356 और अभी मेरे पास डॉन कैरेक्टर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक मेरे को उडेन क्रेट मिला हुआ है, तो उडेन क्रेट मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो मेरे को जैक का कार्ड मिलता है, 6 जैक का कार्ड मिलता है, फिर जेन का कार्ड मिलता है। भाई उडेन क्रेट है, इसमें कुछ उम्मीद ज्यादा मैं नहीं रखता हूँ क्योंकि मैंने मैचेस बहुत ज्यादा खेले हैं। तो देख सकते हो मेरा एक क्रेट का जगह खाली है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सिंपली सा देख लो, मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ तभी आपको विश्वास होगा, तभी आप यहाँ पे जो मैं अभी स्टेप्स बताऊंगा तो वो आप फॉलो करोगे। तो देखो सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मली गेम प्ले किया। इसके पहले मैंने यहाँ पे 10 मैच खेल लिए होंगे, ये मेरा 11th मैच था और मैं सब रिकॉर्ड कर रहा था कि यहाँ पे मैं आपको A to Z सारा कुछ फंडा बताऊं और मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊं। बिकॉज इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दिए, हाउ टू गेट ज्यूका एंड हाउ टू गेट लॉर्ड मस्क, दोनों पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बट बंदे लोग बोल रहे थे कि हेक्टर एंड डॉन के बारे में बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे डॉन की भी वीडियो आ चुकी है, आप लोग लाइव प्रूफ देखो। यहाँ पे मैं गेम को स्टार्ट कर दिया हूँ, 4v4 मैं ज्यादा खेलता हूँ, बैटल रोल पे मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ। तो 4v4 मैं किसके साथ खेल रहा हूँ, कौन से कैरेक्टर के साथ, यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ वीर कैरेक्टर के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैंने वीर से ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको कुछ निकालना रहता है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, कैरेक्टर मैटर करता है, टाइमिंग मैटर करता है, सेटिंग मैटर करता है, एंड मेरे यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मैटर करता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, तो आप वही सारा टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो। और इसमें 2-3 न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स है तो इसको भी फॉलो करो। देख सकते हो यहाँ पे अपोनेंट का टीम का स्कोर है 80 और हम लोग की टीम का स्कोर है 150। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो स्कोर है वो 25 स्कोर है। एंड इस मैच में मुझे क्या करना है, कम से कम 4 या 5 बंदे को मारना है, मतलब कि गेम प्ले अच्छा करना है मेरे को कैसे भी करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग का टीम यहाँ पे जीतने वाला है। और आपका गेम प्ले अच्छा नहीं है तो आपको ज्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे जिससे आपको एकदम अच्छा वाला क्रेट मिले। तो फाइनली यहाँ पे मैंने 3 बंदे को मारा है, मेरा 40 स्कोर है और 2 असिस्ट है, मतलब कि गेम प्ले अच्छा है और मैं 3rd नंबर पे आया हूँ अपने स्क्वाड में, मतलब अच्छा गेम प्ले पे। तो देखो यहाँ पे अच्छा गेम प्ले करने से और लगातार गेम प्ले करने से मेरे को प्लेटिनम क्रेट मिल गया, ठीक है। आपके लाइव प्रूफ मैंने दिखा दिया, यहाँ पे देखो कि मेरा स्कोर है 40, मैंने 3 बंदे को मारा है, 2 असिस्ट और यहाँ पे मैंने मैचेस भी बहुत ज्यादा खेले, कम से कम ये मेरा 12 या 13 मैच होगा। और यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रेट्स खोला, क्रेट्स में यहाँ पे टाइमिंग वाइमिंग मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास चाबी था। तो देखो क्रेट्स खोलने से ही मेरे को डॉन कैरेक्टर मिल गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ देख लियो, आंखों देखी विश्वास करोगे तभी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो इसी बात पर लाइक कर देना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि डॉन कैरेक्टर मेरे को कैसे मिला। अब आपको कैसे मिलेगा तो आपको मैं बताता हूँ। देखो सिंपली यहाँ पे जो मेरा ओवरऑल स्कोर है ना, मतलब ओवरऑल मैचेस है ना, वो 10,000+ मैच है। और यहाँ पे 10,000+ मैच करने के बाद मेरे को डॉन कैरेक्टर मिला, और आपका तो यहाँ पे 1,000 भी मैच नहीं है, तो आपको डॉन कैरेक्टर कैसे मिलेगा, ये पॉइंट है ना आपका, मुझे पता है। और बहुत सारे बंदे को तो यहाँ पे प्लेटिनम क्रेट्स तक नहीं मिलता है, तो प्लेटिनम क्रेट मिलता ही नहीं है तो डॉन कैरेक्टर क्या खाक मिलेगा, जीव का मिल ही नहीं रहा है, डॉन क्या खाक मिलेगा। तो सब कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो डॉन कैरेक्टर को। तो गाइज मैंने क्या ऑब्जर्व किया है मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट, नोट में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कुछ जो कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि लेजेंडरी कैरेक्टर हो गया, आइकॉनिक हो गया, तो ये सब है ना कुछ पे डिफाइंड होते हैं कि बंदा जब इतना मैच खेलेगा या इसका जब इतना मैच अच्छा गेम प्ले रहेगा तब हम इसको ये वाला कैरेक्टर सप्लाई करेंगे देंगे, ठीक है। ऐसा टाइप का मेरा ओपिनियन है, ठीक। यहाँ पे बंदे जितना कम मैचेस खेले हैं और जितना ज्यादा गेम प्ले उनका अच्छा है तो उनका चांसेस हाई रहता है। अगर आपका गेम प्ले नॉर्मल है, कम मैच खेलते हो और अच्छा गेम प्ले आपका नहीं है, नॉर्मल किल करते हो, तो आपका यहाँ पे चांसेस जो है वो कम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जिनके पास भी यहाँ पे डॉन कैरेक्टर है उनके आप मैचेस देखो और उनके आप यहाँ पे गेम प्ले देखो, उनके आप यहाँ पे किल देखो। यहाँ पे मेरा जो आप यहाँ पे देख सकते हो आईडी का परफॉर्मेंस, यहाँ पे देखो 10,000+ मैंने मैचेस खेले हैं, 10,200 जीता है, तब जाके मेरे को यहाँ पे प्लेटिनम क्रेट मिला। प्लेटिनम क्रेट यहाँ पे मेरे को मिल चुका है, पता है कितना बार, यहाँ पे 25 बार मिला है। तो 25 बार वहाँ पे जब मैं प्लेटिनम क्रेट खोला हूँ तब मेरे को डॉन कैरेक्टर मिला है। उससे पहले जितना भी मैंने प्लेटिनम क्रेट खोला था ना उसमें एकदम टट्टी टट्टी कैरेक्टर मिल रहा था। और यहाँ पे मैंने जब अपना स्टेप्स को फॉलो किया कि ये करना चाहिए, मेरे को
ये करना चाहिए, कैरेक्टर सही करना चाहिए, सेटिंग सही करना चाहिए, तो उसी के हिसाब से मुझे लगता है कि डॉन कैरेक्टर मिल गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपका मैचेस कम है और गेम प्ले अच्छा है तो एक यहाँ पे फंडा ये हो गया, यहाँ पे आपका गेम प्ले अच्छा नहीं है तो आपको ज्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे। ज्यादा मैचेस खेलोगे तो वो क्रेट अनलॉक होगा, बिकॉज यहाँ पे बंदे सिर्फ 60-70 मैच खेलते और बोलते हैं भाई मेरे को गोल्डन क्रेट नहीं मिल रहा है। भाई 60-70 मैच में आपको गोल्डन क्रेट क्या, वुडन क्रेट भी नहीं मिलेगा, सिल्वर क्रेट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप ज्यादा मैचेस खेलते हो तो आपका यहाँ पे गेम प्ले इंप्रूव होता जाता है, और गेम प्ले जब इंप्रूव होता है तभी उस हिसाब से आपको क्रेट्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो भी स्टेप्स मैंने बताया है पिछली वीडियो को देख करके और इस वीडियो को देख करके आप स्टेप्स को फॉलो करो, आपको जरूर मिलेगा। हो सके तो आप यहाँ पे 2-3 बार प्लेटिनम क्रेट खोलो, और आपको नहीं मिले तो आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे बस जो भी मैंने स्टेप्स बताया आपको फॉलो करते रहना है और उस स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पे क्रेट्स को खोलना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आ गया वीडियो समझ में तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और आपको अगर हेक्टर कैरेक्टर का वीडियो चाहिए ना तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज सेकंड चैनल पे मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ हाउ टू गेट हेक्टर। एंड जब वहाँ पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे ना तो आपके लिए गिव अवे रखा हुआ है, तो जल्दी से 1K सब्सक्राइबर को कंप्लीट करो सेकंड चैनल पे। हम लोग मिलेंगे एक और नए वीडियो, तब तक के बाद ध्यान रखना, जय हिंद।